हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्दी हेल्थ फॉरएवर पे। आपको यहां पे इसी तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं दोस्तों आपके सामने लेके आ रहा हूँ ऐसी एक लाजवाब जानकारी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं। सामने जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक पेड़ है और ये एक ऐसा पेड़ है जिसका वास्ता बचपन में, खासतौर से मेरी उम्र के लोगों को स्कूल के समय में जरूर पढ़ा होगा। इससे हम जर्नलिस्ट के फलों से जो है अपनी कापी, किताबें, पुस्तकें जो है अगर फट जाती थी तो वो जोड़ते थे, क्योंकि जिसका फल है इसके अंदर बहुत ही मीठा और बहुत ही चिपचिपा एक पदार्थ निकलता है जिसको गोंद भी कह सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी औषधि है जिसके लाजवाब गुण होते हैं और इस पौधे के जो है फल, इसकी पत्तियां और इसकी छाल, तीनों चीजें दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होती है। और आज ही से नहीं, जमाने से आयुर्वेद में और यूनानी में इस प्लांट का, पौधे का या इस पेड़ का हर एक पार्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता आया है। इस फल को दोस्तों हिंदुस्तान में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे इसको लसोड़ा कहते हैं, कहीं पे इसको लैसोड़ा कहते हैं, कहीं पे इसको रेंटा भी कहते हैं, और अंग्रेजी में जो इसका नाम है या जो इसका बोटेनिकल नाम होता है वो कार्डिया मिक्सा के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, आपके लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, यहाँ तक कि जोड़ों के दर्द के लिए। और जो सबसे बड़ा इसका फंक्शन होता है वो सर्दी, जुकाम, खांसी में इसका बहुत ही लाजवाब इस्तेमाल होता है। तो आगे थोड़ा आखिर तक बने रहे मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ में इसका कौन सा भाग इस्तेमाल होता है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान है इस्तेमाल करना। तो इसके अंदर देखिए, जैसे मैंने बात की, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो ये शरीर को टॉक्सिन से बाहर निकालने में काम करता है। इसके अंदर विटामिन सी भी होता है तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर इम्यूनिटी को बढ़ाता है तो जितने भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनसे लड़ने में इसकी बहुत ज़्यादा इससे आपको मदद मिलती है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो लीवर के फंक्शन को तो तेज़ करते ही करते हैं, खासतौर से जो आपका भोजन है उसको भी जल्दी पचाने में मदद करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं। एक तरीके से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो पाचन तंत्र है, उसमें भी इसका काफ़ी फायदा मिलता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है ना कुछ एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। तो अब बात करेंगे कि भी एक एक पार्ट का किस किस बीमारी में ये काम करते हैं। जैसे हमने बात की कि इसके अंदर विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो इम्यूनिटी अगर आपको बढ़ानी है और अगर अपना पाचन तंत्र आपको ठीक रखना है तो उसके लिए आपको इसके फलों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फलों का आप काढ़ा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके पके हुए फलों को वैसे साबुत खा भी सकते हैं। इसमें गुठली होती है, गुठली फेंक दीजिए, इसको फल की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। काढ़ा बनाने के लिए देखिए, आपको या तो सूखे इसके फल मिल जाए या आप ताज़े फल भी ले सकते हैं। इनको आप पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। अगर सूखे फल हैं तो कोशिश करें उसको रात को पानी में धो के रख दें और सुबह उबालें, और अगर ताज़ा फल है तो आप उसी समय इनको उबाल सकते हैं। उबाल के आप इसको अच्छे से छान लीजिए और स्वाद अनुसार इसमें आप चाहें तो शायद मिला सकते हैं, डायबिटीज के तो ना मिले, और वैसे भी ये मीठा होता है, स्वाद अच्छा लगेगा। इसमें थोड़ा बहुत काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, अदरक का जूस भी डाल सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी लेके आएगा, आपके डाइजेशन को ठीक कर देगा, पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग कर देगा और लीवर को स्ट्रॉन्ग करेगा। हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में काफ़ी हद तक इससे फायदा मिलता है। और एक सबसे बड़ी बात, जब आपका पाचन ठीक रहता है ये लैक्सेटिव के तौर पर भी काम करता है, यानी कि आपके कॉन्स्टिपेशन को भी दूर कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पत्ते के बारे में। पत्तों का इस्तेमाल आप काढ़े के तौर पे कर सकते हैं और गले की बीमारियों में, खास तौर से जो एलर्जिक गले की बीमारियां होती हैं, फरेंजाइटिस हो गया, लैरेंजाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, या कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो आपको सर्दी जुकाम लगता है, उस समय इसका बहुत अच्छा रोल होता है। इसका अगर आप काढ़ा बना के पीते हैं लाजवाब रिजल्ट मिलते हैं, और जितने भी आपके काढ़े आते हैं या जो जोशांदे आते हैं उसमें ये ज़रूर पड़ा होता है। इसके फल भी पड़े होते हैं और इसके पत्ते भी पड़े होते हैं। आप पत्तों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंपली उसका काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने के लिए आप एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें चार पांच पत्ते इसके डाल के अच्छे से उबाल लीजिए। जब ये पानी आधा रह जाए उसको छान लीजिए, पी लीजिए। लेकिन अगर इससे और बेहतर आपको रिजल्ट चाहिए तो इसमें आप एक दो चीज़ें और मिला सकते हैं। थोड़ा सा आप काली मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, और साथ में आप इसमें एक दो अमरूद का पत्ता भी डाल के, और थोड़ा सा जो गेहूँ का छानस होता है ना, भूसी जो रहती है आटा छानने के बाद, उसका अगर एक दो चम्मच डाल देते हैं तो इसके बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। आप देखेंगे डीकंजेस्टेंट का काम करता है, आपकी नाक खुल जाएगी, गला खुल जाएगा, और अगर आपको खांसी है तो खांसी भी जाती रहेगी। आपने सुना होगा यूनानी में एक प्रोडक्ट आता है लहू के सपिस्ता, इसको सपिस्ता कहते हैं, वो इसी से बना होता है। एक चाटने की, लिक करने की दवाई होती है और गले की बीमारियों में बहुत ज़्यादा उसके फायदे मिलते हैं।
बहुत सारे हकीम इसको इस्तेमाल करते हैं, मरीजों को देते हैं। तो आप लौकी सफिस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं मिलता है, और अगर आपको ये पेड़ मिल जाता है, इसके पत्ते मिल जाते हैं, तो उसका काढ़ा बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, इसके जो पत्तों का इस्तेमाल है आप त्वचा के रोगों में कर सकते हैं। कई जगहों पर जैसे दाद वगैरह होते हैं, तो आप इसके पत्ते को कूट के उसको उस पर मल सकते हैं, रगड़ सकते हैं, थोड़ी देर लगा के छोड़ सकते हैं, दिन में 2-3 बार करें, हफ्ते 10 दिन में आप देखेंगे दाग जो दाद है वो जाता रहेगा या खुजली उस इलाके की कम हो जाएगी। उसके अलावा जो इसका एक बड़ा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी कि सूजन को कम करने वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो जैसे जोड़ों का दर्द है, खासतौर से घुटनों का दर्द हो गया, कोहनी का दर्द हो गया, उस तरह की जोड़ों के दर्द में, या कहीं पर अगर आपको चोट भी लगी है, चोट का भी अगर दर्द है, तो उसको भी ठीक करने में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तो उसमें जो इस्तेमाल होता है वो इसका छाल होता है। आप इसका अगर छाल ले लेंगे थोड़ा सा, उस छाल को आप कूट लीजिए, इसमें इसके 2-3 पत्तों को भी आप कूट लीजिए, और जब ये कूट जाए थोड़ा सा ये इसको आप गर्म कर लीजिए, गुनगुना सा जब ये हो जाएगा, आप किसी बर्तन में डाल के इसको थोड़ा गर्म कर सकते हैं, और एक कपड़े के साथ आप एरिया पे बांध दीजिए जहाँ पे ये सूजन है या दर्द है। उतना गर्म ना करें कि आप जल जाएं, ध्यान रखें कि उतना ही गर्म करना जितना आपकी त्वचा या स्किन बर्दाश्त कर सके। आप इसको अगर 8-10 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर साथ में आप इसमें हल्दी भी मिला लेते हैं, तो इसके लाजवाब रिजल्ट आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द इससे दूर हो सकता है। तो एक लाजवाब दरख्त है, पौधा है, आप इसे पतंग भी बना सकते हैं, अपनी काफ़ी किताबें आज भी जोड़ सकते हैं, और इससे आप बहुत सारे औषधीय फायदे भी ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारी अलग सी आप मिली होगी आज। अगर वाकई आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।